इन हम्बन टोटा राइट नाउ और यहाँ से हम जा रहे हैं याला नेशनल पार्क. सो ऑलरेडी हमें क्रूज से जस्ट हमने डिसम्बार्क किया है, पीछे हमारा क्रूज है और प्रोसेस ऑफ सुपर स्मूथ. हमारा इमिग्रेशन पहले ही हो गया था तो बस हम यहाँ से सीधा बस में बैठने वाले हैं और याला नेशनल पार्क जा रहे हैं. हाउ एक्साइटेड आर यू? वेरी एक्साइटेड. नेशनल पार्क मेरा ये दिस इज गोइंग टू माय फर्स्ट सफारी. मेरा मम्मी पापा तीनों का पहला सफारी. मेरा तो पता नहीं कितनी सफारी करी है बट ये वाली मजा आएगी क्योंकि श्रीलंका हैज ग्रेट वाइल्ड लाइफ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो जी एवरीबॉडी, हम बस में बैठ गए हैं एंड ऑन आवर वे टू द याला नेशनल पार्क. Beautiful stupa on your left hand side. Yatala stupa, you call it? Thanks people of this area with drinking water. Anji everybody, to tumhare hain Yala National Park. Sare gypsies hain. Bas ab hum baithne wale ek gypsy mein 6 log baith sakte hain. So we'll just get up. चले हाँ. जीप में तो चढ़ भी जाता है. हेलो, अपनी जीप में बैठ गए हैं सफारी के लिए रेडी. और ये याला नेशनल पार्क का है रुहुनु जोन है याला नेशनल पार्क का. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं जैसे नेशनल पार्क में होते हैं, तो ये रुहुनु जोन है. अब देखते हैं आज हम कितने लकी, हमें कितने एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं यहाँ पर. मोस्टली गाइड बता रहे थे हमें कि जैसे एलिफेंट और डियर्स एज यूजुअल सारे नेशनल पार्क में बहुत दिखते हैं, तो वो तो दिखेंगे. बट यहाँ पर लायंस लेपर्ड ओके लेपर्ड के लिए वी विल एम और होपफुली हमें दिखे. लोगों के अभी कुछ लोगों के लिए यही फाइनल नहीं हो पा रहा है कि कौन सी जीप में बैठना है. वो सब में बैठ के देख रहे हैं कौन सी अच्छी है. उनको पता नहीं है कि बैठने का काम नहीं है, इसमें देखना है बाहर. yes. देखो आप लुक पे जा रहे हैं लोग. पार्क में करते करते हमें बीच में यहाँ पर स्टॉप मिला है. अभी तक तो कुछ खास स्पॉट नहीं हुआ है, एलिफेंट भी नहीं और लायन नहीं, लेपर्ड नहीं, कुछ भी नहीं. बट आई एम होपिंग कि अभी बस हम यहाँ से थोड़ा सा पिट स्टॉप लिया था जो नेशनल पार्क में होता है वॉशरूम ब्रेक के लिए, तो वहाँ से फिर अब हम निकल रहे हैं वापस. पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है. लेट्स सी, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि यार प्लीज़ दिख जाए कुछ. एलिफेंट तो दिख ही जाए, एलिफेंट भी नहीं दिख रहे हमको अभी तक तो. और ये हमारा ट्रैश है जो हमने थोड़ा बहुत कुछ जूस वूस पिया वो हम वापस लेके जा रहे हैं कहीं भी जंगल में किसी भी प्लेस में. अपना कचरा यार लेकर जाओ, डस्टबिन में डेजिग्नेटेड प्लेसेस में फेंको. दैट्स द ओनली मैसेज आई ऑलवेज गिव. एंड हो सके जितना उतना प्लास्टिक का यूज़ मत करो. ये तो हमने कुछ खाया था उसका ही प्लास्टिक था, तो इसी के अंदर हम सारी चीज़ें हमने डाल दी है एंड वी आर कीपिंग इट इन आवर बैग सो दैट वी कैन डिस्पोज इट वंस वी रीच आवर डेस्टिनेशन. सो एवरीबॉडी, याला नेशनल पार्क के बाद हम वहाँ से निकल कर रास्ते में हम्बन कोटा के हमारे हार्बर पहुँचे. उससे पहले वी स्टॉप्ड हियर फॉर लंच और सबका यहाँ पर लंच इंक्लूडेड था इन द पैकेज, तो वो हमने लंच किया. एंड आई कांट इवन टेल यू बट लिटरली बहुत अच्छा लंच था.
लाइक श्रीलंकन क्यूजीन इज़ द बेस्ट, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन भी पसंद है ना, तो इसमें साउथ इंडियन फ्लेवर्स ही आते हैं थोड़े यहाँ पे, यहाँ का क्यूजीन, यहाँ के लोगों में और सब चीज़ों में, कल्चर में. सो दैट्स वाई मे बी द रीज़न आई लाइक्ड फूड हेयर. बहुत सारी वेराइटी थी, मतलब लेट मी शो यू मैंने क्या क्या खाया. मैंने कर्ड राइस, थोड़ा सा वेज बिरयानी, देयर वाज लेमन राइस आल्सो, एंड पापड़म, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स, कोकोनट वाला भी सैलड था, एंड चेरी ऑन द केक. इज ये जो हमनकोटा जो प्लेस है यहाँ पर, बफेलो मिल्क इज़ फेमस, तो उसका जो कर्ड होता है बफेलो कर्ड, वो बहुत ही डिलीशियस. यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में आपको हर स्टोर के बाहर लोगों का वो बेचते हुए नज़र आएंगे. सो दैट फ्रेश कर्ड, उसमें टिकल डालते हैं विच इज़ मेड ऑफ कोकोनट सिरप, कोकोनट का सिरप बना के उसमें ऐड करते. दैट इज़ स्वीट डिश हेयर इन हमनकोटा रीजन, प्रोविंस, वॉट एवर यू कैन से. तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस कर्ड था, एंड मैंने तो दो बोल भर के खाए, एंड एवरीबडी हैड लाइक एवरीबडी इन्जॉयड द मील हेयर. एंड अभी हम यहाँ से वापस हार्बर जा रहे हैं, उससे फिर हम क्रूज़ वापस से बोर्ड करेंगे एंड सेल करेंगे आगे के लिए. हेलो एवरीबडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्रिकोणमली. त्रिकोणमली आइलैंड, आइलैंड है ये? आइलैंड नहीं है, त्रिकोणमली एक सिटी है. एक सिटी है, उसके ऑब्वियसली श्रीलंका के जो भी कोस्टल एरियाज है, वो तीन पॉइंट हम कवर करने वाले. कल हम हम्बनटोटा गए थे, आज हम त्रिकोणमली में है, और उसके बाद लास्ट जो हमारा वो जाफना है, तो कल वहाँ हम उतरेंगे. बट आज का जो प्लान है वो ये है कि हम जा रहे हैं पिजन बीच और आइलैंड. ये लोग आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड है वो, आइलैंड बीच बीच नहीं है, पिजन आइलैंड. हाँ, पिजन आइलैंड. मैं कितनी कंफ्यूज हूँ यार. ओके, सो बात ये है कि हम आज जा रहे हैं पिजन आइलैंड, और वहाँ पे हम स्नॉर्कलिंग करेंगे, और पूरा दिन हम बीच वाला टाइम, आइलैंड वाला टाइम स्पेंड करेंगे. वेरी एक्साइटेड, बिकॉज यार मज़े आते हैं आइलैंड में, ऐसे चिल करो, बीच देखते रहो, मस्त एकदम बढ़िया. तो बस ये प्लान है. अभी नाश्ता कर लिया, रेडी हो गए हैं, रूम से बाहर निकलते हैं, और एक पॉइंट, एक थिएटर है वहाँ पर, सबको गैदर करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं. अभी तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही है. दिस इज माइन. ओके गाइस, तो लेट्स गो बेबी. हे एवरीबॉडी, सो हम पहुंच गए हैं पिजन आइलैंड के बोट वाले पॉइंट पे. यहाँ से वी विल टेक अ बोट एंड विल गो टू द आइलैंड. यहाँ पर नीचे डाल दूँगी. वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, मस्त एकदम ब्लू, और दिन के 11 बज रहे हैं, और एकदम धूप में स्नॉर्कलिंग करना पड़ेगा. बट आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी. आजकल जब से स्विमिंग आ गई ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ स्विमिंग वाली कोई भी एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी करने के लिए. So yeah, it's a nice sunny day, breezy. उसको नाक में कल हो गया टाइट, बराबर नाक से सांस नहीं ले पा रहे हो ना, उसको मुंह में फंसा लेना है. तो हम करने जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग, और पापा और मम्मी दोनों का फर्स्ट टाइम है. तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है स्नॉर्कलिंग? फर्स्ट टाइम ही, पर मैं तो तैरता रहता हूँ, तो आदत है. We will try to have a guide, so we'll come in. They will bring you, okay? Okay. Yeah, Pigeon Island. Ready on now. Don't go very far. सबसे कम. बता रहा हूँ मैं. अभी ओपन बैक. Thank you.
एवरीबडी. सो हम जस्ट अभी स्नॉर्कलिंग करके आए हैं और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. ये आइलैंड है, पिजन आइलैंड. यहाँ पर बहुत ही अच्छे कोरल्स देखने को मिले, फिशेस. और मैं बहुत, आज मैंने क्योंकि थोड़ी बहुत स्विमिंग आ गई है तो बहुत करेज करके मैं अंदर तक गई. एंड इट वाज सो गुड. अभी यहाँ पे फुटेजेस डालूंगी मैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे गोप्रो में. उससे पहले आप सबका जो जो गए थे आप, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, कैसा लगा? बहुत बहुत मज़ा आया. बहुत ही पहली बार आए पर बहुत अच्छा लगा. क्या क्या देखा आपने अंदर? अंदर फिश देखी बहुत सारी. बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ, जैसे ऐसे लग रहा मूवी देख रहे कोई. मूवी में जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं फिश घूमती है और अंदर का जो नज़ारा है वो सब स्पष्ट देखा. बहुत ही मज़ा आया, समझ रहे हो? बहुत मज़ा आता है. आ जाना एक बार श्रीलंका. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला जो सीन है ना, वो है देखने को, वो है. यस यस यस, राइट रेफरेंस दिस इज. एकदम और एकदम शोर पे. अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ज़्यादा डीप भी नहीं है. आप वो अगर वहाँ पे वाइट बॉल्स देख पा रहे हो, बॉर्डर बस सिर्फ वहीं है. मतलब इट इज़ नॉट मोर देन 4-4.5 feet डीप, लेकिन बहुत सुंदर. तो ये ऐसा एक आइलैंड है छोटा सा, इस साइड भी इसके बीच है और अगर यहाँ जाते हैं तो इसके भी पार एकदम बीच ही है. हाँ, पर और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आइलैंड को इन लोगों ने बहुत ही रिमोट रखा है. यहाँ पे कोई भी कमर्शियल चीज़ नहीं है, ना आपको कुछ मिलेगा खाने के लिए ना कुछ भी. तो यहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं, एकदम साफ़ सुथरा है. यहाँ पे कोई रिजॉर्ट भी नहीं है. बहुत ही रॉ, बहुत ही प्यारा आइलैंड है. तो जब भी श्रीलंका आओ यहाँ ज़रूर विज़िट करना, पिजन आइलैंड. यहाँ पे एक पानी की बॉटल ख़रीदने के लिए भी कोई दुकान नहीं है, ये लोग वहीं से लेके आते हैं और आपको देते हैं. एंड इट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि अगर यहाँ पे शॉप्स आ जाएंगे, रिजॉर्ट्स आ जाएंगे तो ये कमर्शियल हो जाएगा और फिर ये आइलैंड वैसा नहीं रहेगा जैसा है. तो ओके, सो वेन एवर यू कम टू श्रीलंका एंड यू हैपन टू बी एट द पिजन आइलैंड बीच, ही इज़ द मैन, ही इज़ द वन हु ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. प्लीज़ टेल योर नेम एंड नंबर और एड्रेस वॉट एवर सो दैट पीपल कैन. My name is Tusi. We have Aqua Dream in Upavelli. We are like a 15 years with experience. We're really nice. Enjoy with the Indian families. Very nice journey. So thank you. Happy to see you. Thank you God for nice day. So whenever you happen to be at the Pigeon Island, please contact him and please take the service from him because it is very nice. My name is Tusi. Tusi is a fun guy, fun sender. His name is itself fun. Yeah. Aqua Dream. Have a nice day. Thank you.